afternoon students in our new class. So today we will discuss अपना capacitors वाला chapter चल रहा था. Last time हम discuss कर रहे थे कि एक capacitor के अंदर पहले plate capacitor में अगर आप dielectric slab insert कर रहे हो तो उसका उसके ऊपर क्या effect होगा. बस हमने ये देखा था कि वो उसकी capacitance को increase कर देगा. लेकिन किन किन factors पर उसकी increased capacitance depend करती है वो सारे सब कुछ आज discuss करेंगे हम. ठीक है, तो proceed करते हैं अपने new topic पे. That is capacitance of a parallel plate capacitor with non-conducting dielectric slab. तो हमने क्या किया है, ये एक पहले प्लेट कंसीडर कर लिया. जो बातें मैं बोल रही हूँ डेरिवेशन करते वक्त आप ये सारी बातें नोट करोगे, दिखाओगे, लिख के दिखानी है अपनी लाइंस के अंदर ये सारी. ठीक है, तो कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइक दिस एंड द थिक, कंसीडर दैट द थिकनेस ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज D and a non-conducting dielectric slab is inserted in the parallel plate capacitor. The consider that the thickness of that parallel that non-conducting dielectric slab is T. हमने मान लिया कि जो dielectric non-conducting dielectric slab आपने insert की है उसकी thickness कितनी है, T है. और जो अपने पास parallel plate capacitor था उसकी thickness कितनी है, D है. ओके, तो क्या होता है जब आपने जब तक ये नहीं डाली थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं लगाई थी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, ई ओ है. आप इसको ई आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान सकते हो या ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्टार्टिंग में सेट किया था ये कह सकते हो. तो जैसे ही आपने नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रखी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर चार्ज का क्या होना शुरू हो जाएगा, सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और इस प्लेट की तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस प्लेट की तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इस तरह से. तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया. हम इसको मान सकते हैं क्या, ई पी नाम दे सकते हैं इसको. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू अपने पास आएगी बेटे वो क्या आ जाएगी, ई नॉट माइनस में ई पी आ जाएगी. ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आई है. अब अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी. आपको एक रिलेशन याद था ना, क्या V by D is equal to E. मैंने कहा था ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसको. dV by dr is equal to dE. तो V by D is equal to E. तो यहां से जो V की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, D into E. ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्लैब आपको बताना है. VO आउटसाइड द स्लैब क्या हो जाएगा, E. E कौन सा है, E नोट है. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेंगे, E नोट. आउटसाइड का देखना है तो आउटसाइड वाला लेंगे. इनटू में अब स्लैब के बाहर अगर आपको इलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर अगर आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है तो स्लैब के बाहर की थिकनेस आपको देखनी पड़ेगी. टोटल थी D, उसमें से स्लैब की आपने घटा दी कितनी, T. तो बाहर कितनी बची, D माइनस T. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्लैब अगर आप देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, E. अब इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, E O आउटसाइड था, E P कैंसिल आउट हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जो लगेगा वो E और कितनी थिकनेस तक लगेगा, E इनटू T थिकनेस तक लगेगा. ठीक है, क्योंकि हमने स्लैब की थिकनेस कितनी ली थी, T ली थी. तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
क्या आ जाएगा, इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा, E नॉट इनटू में D माइनस T प्लस E इनटू T, ठीक है जी। अब आपको एक रिलेशन याद है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू E नॉट बाय E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो, इन दोनों के रेशियो को हम क्या करते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब हम क्या करते हैं यहां से इस E की वैल्यू लेंगे बेटे, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू अगर आपको लेनी है तो ये E इस साइड ले आते हैं, K नीचे आ जाएगा, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट बाय K, ध्यान रहे ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, ये अपने पास E नॉट है, D माइनस T प्लस E की जगह पे क्या पुट करेंगे, E नॉट बाय K इनटू T, इनटू T, ठीक है। अब हम देखें तो E नॉट हमें दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, इस E नॉट को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर अपने पास बचेगा क्या, D माइनस T प्लस T बाय K, ये बच गया भाई, ठीक है। आगे इसी वैल्यू को मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ, V is equal to आपके पास रिजल्ट आया था E नॉट D माइनस T प्लस T बाय K, ये रिजल्ट आया था, ठीक है। अब ये जो E नॉट है, इस E नॉट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब एक प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट करेगा, इन बिटवीन द टू प्लेट, और उसकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है ना वो, ओके। तो अब आपके पास क्या आ गया, D माइनस T, इसमें से हमने क्या लिया, D कॉमन ले लिया, मान लेते हैं इस पूरे में से D कॉमन ले लिया, बाहर ले गए इस D को, तो यहां पे क्या बचेगा, 1 ये T बाय D प्लस T बाय D के, इसका D कॉमन लिया 1 बच गया, इसमें D है नहीं तो डिवाइड में, इसमें D है नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब हम क्या करते हैं सिग्मा, सिग्मा को आप क्या जानते हो, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज टोटल चार्ज बाय में एरिया, यानी कि D इज इक्वल टू Q बाय A इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 माइनस में T बाय D प्लस T बाय D के, और ये अपने पास किसकी वैल्यू चल रही है, V की वैल्यू चल रही है, राइट। तो अब हम क्या किया, C कैपेसिटेंस निकालनी थी ना हमने, क्या निकालनी थी, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V हियर वी विल गेट Q बाय D into Q by A epsilon naught, A epsilon naught, और ये तो अपना मल्टीप्लाई में था, यहां पर 1 माइनस में T by D प्लस T by D के, और इसके बाय में ये है, ठीक है भाई। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, A epsilon naught डबल बार बाय में होने से क्या चला जाएगा, ऊपर, आपके पास रिजल्ट क्या आया, A epsilon naught डिवाइडेड बाय D इनटू में 1 माइनस में T बाय D प्लस T बाय D के इज इक्वल टू C, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपने लास्ट टाइम कैपेसिटेंस निकालने का डेरिवेशन किया था, और वो जो आपके पास रिजल्ट आया था वो क्या आया था, A epsilon naught by D आया था, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, C is equal to C naught by में 1 minus में T by D plus T by D के, ये आपके पास आ गया बेटे फाइनल रिजल्ट, C is equal to, ठीक है। अब इस रिजल्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस रिजल्ट को जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कि 1 में से आप इस क्वांटिटी को T by
साइड डी को क्या करोगे, लेस करोगे, माइनस करोगे, और टी क्या थी, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस थी। तो अगर आप इस क्वांटिटी में से कुछ ना कुछ चीज को लेस कर रहे हो तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो लेस हो जाएगा, ये क्वांटिटी जितनी लेस होगी तो सी की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज लेस हो रही है लेकिन ये इससे कम ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू आ गई। तो आप एड कम कर रहे हो, लेस ज्यादा कर रहे हो, तो टोटल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी। और यही अपना टारगेट था कि जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप इसके अंदर प्लेस करोगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज तो होगी, लेकिन वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने प्लेट के बीच में जो गैप है वो कितना लिया है, गैप बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड थिकनेस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस पे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इन इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे क्योंकि अब हमें एक और डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो कि उस डेरिवेशन में हम देखेंगे अपना ये सारा सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो नॉन कंडक्टिंग लिया है वहां पे हम क्या लेंगे, कंडक्टिंग स्लैब लेंगे, ठीक है, कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब हम लेके चल रहे हैं। तो उसमें क्या होगा वो देखते हैं, उस रिजल्ट को हम एज इट इज रखेंगे ताकि हम लास्ट में कंपेयर कर सके। जब आप ये पूरा डेरिवेशन कर देते हैं तो लास्ट में ये जरूर लिखें कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल इंक्रीज बाय इंसर्टिंग द नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने की वजह से आपकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या की है, राइज हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो अब हम नया डेरिवेशन कर रहे हैं, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, अगली बार जो हमने स्लैब इंसर्ट किया वो कैसी है, कंडक्टिंग है, ठीक है जी। चलते हैं, ये हमने लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिर से, और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने माना है वो मान लिया कैसा है, प्लस सिग्मा है, और यहाँ पे जो माना है वो क्या मान लिया, माइनस सिग्मा है, ठीक है। टेक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डी, एंड कंसीडर ए कंडक्टिंग स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग थिकनेस टी, हमने मान ली इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, ठीक है। तो जब इसके अंदर हमने इसको प्लेस कर दिया तो अब अपने पास क्या क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। अब देखो भाई, ये क्या है, एक कंडक्टिंग स्लैब ली है आपने, कंडक्टिंग स्लैब लिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग स्लैब कितना होता है, जीरो होता है। याद करो आपने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सात आठ पॉइंट देखे थे। तो फर्स्ट क्या था कि जब आप उस कंडक्टिंग किसी भी कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इनसाइड द कंडक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। तो अब अपने पास जो E नेट है वो क्या आ जाएगा, E O माइनस में E P, लेकिन ये नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो, तो ये बिल्कुल इसी के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्लैब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्लैब क्या आ जाएगा, V O इज इक्वल टू E नॉट इनटू में D माइनस T, राइट, V बाय D इज इक्वल टू E, तो V क्या आ जाएगा, E इनटू D, यहां पे जो D हम लेंगे वो क्या लेंगे, D माइनस T, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्लैब कंडक्टिंग स्लैब वो क्या आ जाएगा, Vi। अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या, E into में T, लेकिन जो E की वैल्यू है वो क्या है, जीरो, तो Vi की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, Vi की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से शुरू करें हम, V इज इक्वल टू V इनिशियल, V इनसाइड और V आउटपुट, V आउटसाइड मींस E नॉट इनटू में D माइनस T,
डी माइनस टी, और यहां से अगर आप इस डी को बाहर कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, डी को ऊपर लिया ना आपने कॉमन, इनटू में वन माइनस में टी बाय डी, ये हो गया ठीक है। अब आपको पता है क्या सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय वी, तो हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास v आया है इस वैल्यू को, v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, q by v की वैल्यू क्या आई है, q into d by a epsilon naught into में one minus में t by d, ये रिजल्ट आया आपके पास ठीक है। q से q कैंसिल आउट, a epsilon naught कैसे आ जाएगा ऊपर, a epsilon naught divided by d into में one minus में t by d आ जाएगा c। अब हम क्या देखते हैं बेटे, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, एफ मीडियम जब हम वैक्यूम को लेके चलते हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आया था आपके पास रिजल्ट में, इसको हम क्या लिख लें, सी नॉट बाय 1 माइनस में टी बाय डी, ये आपके पास रिजल्ट आया है कैपेसिटेंस का ठीक है। तो यहां से भी हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस अपनी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, मींस एक बार तो अगर आप इसको इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस किसके बराबर थी, सी नोट के बराबर थी ठीक है। अब आप इसके अंदर ये कंडक्टिंग स्लैब आपने इंसर्ट कर दी है तो पहले तो इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटेंस कितनी थी, सी नोट थी, इंसर्ट करने के बाद ये जो सी की वैल्यू आई है वो इस सी नोट से कम आएगी या ज्यादा आएगी वो चेक करते हैं। तो देखो अगर ये नहीं है तो C इक्वल टू C नॉट थी, अगर इंसर्ट कर दी है तो ये पूरा रिजल्ट आया अपने पास। अब माइनस में से भी आपने कुछ क्या किया है, डिक्रीज किया है, और वो T क्या थी, इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस थी, तो इस चीज को आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। इसको अगर आप डिक्रीज करोगे तो ये डिनोमिनेट वाली क्वांटिटी जितनी भी डिक्रीज होगी ये क्वांटिटी उतनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इसी प्रोपोर्शन में। तो आप नेक्स्ट जो फाइनल रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो क्या लिखोगे, व्हेन ए कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इंक्रीज, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप यहां से कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हो क्या, कि बहुत ज्यादा अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो आप क्या कंडीशन क्या लगा के चलोगे, तो ये जो गैप है, गैप यहां से पहले प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो गैप है ये जितना कम होगा उतनी ज्यादा अपनी कैपेसिटेंस होगी, और ये थिकनेस अपनी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट होगा ठीक है। तो ये कम होना चाहिए, टी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ठीक है बेटे। अब इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ में, जो अपने पास नॉन कंडक्टिंग का था, नॉन कंडक्टिंग का रिजल्ट अपने पास क्या आया था, मैंने कहा था उसको आप याद रखना, नॉन कंडक्टिंग का अपने पास जो रिजल्ट आया था वो क्या था, 1 माइनस में t by d प्लस में t by d के। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये अपने पास था कंडक्टिंग का रिजल्ट, ये आया है नॉन कंडक्टिंग का, इसके अंदर सिर्फ ये क्वांटिटी है, मींस 1 में से आप कुछ ना कुछ डिक्रीज कर रही हो ठीक है, ऐड कुछ नहीं करे तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जब आप इसके अंदर 1 में से कुछ डिक्रीज किया उसके बाद कुछ इंक्रीज भी कर रहे हो उसके अंदर, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कुछ ना कुछ लिटिल बिट इंक्रीज ही होगी, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए कंडक्टिंग स्लैब की कंपैरिजन में नॉन कंडक्टिंग जो स्लैब आप इंसर्ट कर रहे हो तो उससे कैपेसिटेंस कम इंक्रीज हो पाएगी, कंडक्टिंग वाली स्लैब से कैपेसिटेंस जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ठीक है बेटे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, next topic we will discuss in the next lecture. Thank you very much.